जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं ताकि प्रत्येक भर्ती संबंधी अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। वर्ग 3 अभ्यर्थियों ने जब शिक्षा मंत्री से संपर्क किया, कल उनसे लगभग 30 मिनट की बैठक हुई। शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की क्या अपडेट है दोस्तों, इसके लिए उन्होंने पद वृद्धि के लिए, OBC होल्ड के लिए प्रयास किया, किस तरीके से क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इंद्र सिंह परमार जी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि प्राइमरी टीचर्स के 10,000 पद बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया दोस्तों। यानी हम 10,000 पदों पर और भर्ती करने जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के चयनित उम्मीदवारों ने मंगलवार को पद वृद्धि करने की जो है मांग की, इसको लेकर के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंद्र सिंह परमार से मुलाकात की। चयनित शिक्षक मंगल सिंह ने बताया कि मंत्री ने प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 10,000 पद बढ़ाने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने 13% OBC होल्ड हटाने की मांग भी की थी। अभ्यर्थी भर्ती की मांग को लेकर के DPI के सामने 2 महीने तक धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन, तमाम प्रकार की गतिविधियां उन्होंने किया है दोस्तों। लेकिन जो अभी वर्तमान में उन्होंने बयान दिया है, जो आश्वासन दिया है स्कूल शिक्षा मंत्री, इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग या तृतीय काउंसलिंग होने की उम्मीद है। और उन साथियों के लिए एक प्रकार का मोटिवेशन है जो वर्ग 3 की वेटिंग लिस्ट में है या OBC होल्ड है या 1-2 नंबर नीचे हैं, उन लोगों के लिए एक उम्मीद जागी है दोस्तों। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जो नीचे हैं, क्योंकि 10,000 पद आएंगे तो कहीं ना कहीं 2, 3, 4 नंबर तक नीचे जाएगी लिस्ट दोस्तों। इस प्रकार से जो उम्मीद है, OBC का जो 13% होल्ड हुआ है, इसे हटाने पर भी बात की गई तो परमार जी ने कहा कि ये तो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम 10,000 पद अगर स्वीकृत कर देते हैं दोस्तों, तो जरूर जो है OBC होल्ड अभ्यर्थियों को हम जो है वहां पर ज्वाइनिंग दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने जो है आश्वासन दिया है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है आप सभी लोगों के लिए। और जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर जो है चैनल के माध्यम से अपडेट दूंगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उससे भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।